गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सिक्स में साइंस में पेज नंबर 20 को रीड करेंगे। ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स। ए लार्ज नंबर का मतलब होता है एक बड़ी संख्या में ऑफ प्लांट्स पौधे लिव इन एवरेज और रहते कैसे औसत में और ऑप्टिमम यथासंभव वाटर सप्लाई, यहाँ पर कि यथासंभव क्या होता है, वाटर सप्लाई होती है। दीज प्लांट्स आर नॉन एज मेजोफाइट्स। दीज प्लांट आर नॉन एज, इनको क्या कहते हैं, मेजोफाइट्स। मैनी प्लांट्स हैव एडेप्टेड टू एक्सेसिव वाटर सप्लाई। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनको बहुत अधिक जल की आवश्यकता होती है। दीज आर नॉन एज हाइड्रोफाइट्स, इनको हम कहते हैं जली पौधे। प्लांट्स लाइक कैक्टी आर एडेप्टेड टू ग्रो इन ड्राई हैबिटेट्स। जो कैक्टी जैसे प्लांट्स हैं वो कहाँ पर ग्रो, कहाँ पर अनुकूलित होते हैं, जहाँ पर कि ड्राई सूखे का क्षेत्र हो। सच प्लांट्स आर कॉल्ड जायरोफाइट्स, इनको क्या कहते हैं, मरुद्विज पौधे कहते हैं। सम प्लांट्स ग्रो इन माउंटेन्स रीजन्स, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो माउंटेन में ग्रो करते हैं। एंड अडेप्ट टू द कंडीशन प्रिवेलिंग देयर रीजन्स एंड अडेप्ट अनुकूल होते टू द कंडीशन प्रिवेलिंग। प्रिवेल मीन्स होता है रोकने में, इन जो ये कंडीशंस होती हैं उनमें रहने के ये अनुकूल होते हैं। प्रत्येक पौधा है कि प्रत्येक जगह पे सरवाइव नहीं कर सकता है, जैसे कि कुछ पौधे उनको सर्दी अधिक ना होगी वहाँ पर वो होंगे, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जहाँ पर ज़्यादा गर्मी का मौसम रहता है वहाँ पर अच्छा ग्रो करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सूखे क्षेत्र में भी ग्रो करते हैं। अब देखेंगे एडेप्टेशन इन मेजोफाइट्स। मेजोफाइट्स ग्रो इन मोस्ट हैबिटेट, जो मेजोफाइट पौधे होते हैं वो कैसे में ग्रो करते हैं, जहाँ पर कि मोस्ट मतलब आर्द्रता अधिक हो। एंड वेल एरेटेड सॉइल, और वहाँ की जो सॉइल है वो कैसी होनी चाहिए, एरेटेड, जिसमें कि गैस से भरे हुए। द फॉलोइंग फीचर्स इंडिकेट द एडेप्टेशन इज मेजोफाइट्स। दिस फॉलोइंग फीचर्स, ये जो फीचर्स इंडिकेट क्या करते हैं एडेप्टेशन मेजोफाइट्स। देयर रूट सिस्टम इज वेल डेवलप्ड, इनका जो रूट सिस्टम होता है वो कैसा होता है, वेल डेवलप्ड होता है। लीव्स आर जनरली लार्ज ब्रॉड थिन एंड वेरिएबल इन शेप। जो पत्तियाँ होती हैं, लीव्स आर जनरली लार्ज, कैसी होती हैं, लंबी होती हैं, ब्रॉड व्यापक होती हैं, थिन पतली होती हैं, एंड वेरिएबल परिवर्तनशील होती हैं, किसमें, शेप में। स्टेम्स आर जनरली एरियल एंड हैव मैनी ब्रांचेस, स्टेम जो तना होता है जनरली एरियल हवाई होता है, एंड हैव मैनी ब्रांचेस, उसमें कई शाखाएँ निकली हुई होती हैं। एडेप्टेशन इन हाइड्रोफाइट्स, एडेप्टेशन देखें हाइड्रोफाइट्स का, जनरली दीज प्लांट्स डू नॉट फेस द प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपिरेशन। जनरली दीज प्लांट्स जो पौधे होते हैं डू नॉट फेस नहीं करते क्या प्रॉब्लम्स ट्रांसपिरेशन। एंड हैव द फॉलोइंग एडेप्टेशन फीचर्स, नंबर फर्स्ट है रूट्स, बिकॉज ऑफ प्लेंटी ऑफ वाटर, रूट्स के लिए क्या चाहिए, क्योंकि इनके लिए अधिक क्या होता है, जल होता है। रूट्स इन सच प्लांट्स आर ऑफ सेकेंडरी इंपॉर्टेंस, जो इसमें रूट्स होती है वह वास्तव में पौधे में क्या सेकेंडरी महत्वपूर्ण है। दीज आर आइदर पुअरली डेवलप्ड एज इन हाइड्रला, हाइड्रला क्या है, हाइड्रला जल में उगने वाला प्लांट है, और कंप्लीटली एब्सेंट इन सेरेटोफाइलम, और इसमें सेरेटोफाइलम क्या होता है, एब्सेंट होता है। लीव्स, द लीव्स आर थिन, लीव्स इनकी पतली होती है, लॉन्ग एंड रिवन शेप्ड, फीते की आकार की होती है, एज ही वैली सीनेरिया, और फाइनली मतलब सूक्ष्मता डिसेक्टेड मीन्स होता है विच्छेदित, एज इन सेरेटोफाइलम। फ्लोटिंग लीव्स आर लार्ज, जो फ्लोट करने वाली जो तैरती हुई जो लीव्स होती हैं वो कैसी होती हैं, बड़ी होती हैं, एंड फ्लैट है एज एन नीलेम्बो, जो फ्लैट होती हैं पतली होती हैं वो कैसी होती है, नीलेम्बो। नेक्स्ट आता है स्टेम, इन मोस्ट केस द स्टेम इज लॉन्ग, इनका जो स्टेम होता है वो लंबा होता है, सिलेंडर पतला होता है, स्पंजी होता है, एंड फ्लेक्सिबल, और ये आराम से फ्लैक्स इधर उधर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रला है आपका,
और कोटे में गेट ऑन है। एडेप्टेशन इन जायरोफाइट, जायरोफाइट्स आर एडेप्टेड टू ग्रो इन द इन ड्राई हैबिटेट्स। जो जायरोफाइट जो मरुद्भिद पौधे होते हैं वो कहाँ पे अनुकूलित होते हैं, सूखे क्षेत्र में एंड ड्राउट जहाँ पे सूखा हो कंडीशन। इन दी हैबिटेट्स आर रेनफॉल इज वेरी ब्रीफ, यहाँ पर जो बारिश होती है बहुत ही संक्षिप्त होती है। दीज प्लांट्स एडॉप्ट देमसेल्व टू स्टोर वाटर, ये जो प्लांट होते हैं ये क्या अनुकूलित हो जाते हैं वाटर को स्टोर करने में एंड अवॉइड लॉस ऑफ वाटर एंड ड्राई कंडीशन, और सूखे के समय में ये बहुत कम पानी को बर्बाद मतलब लॉस करते हैं। एज सच दे हैव द फॉलोइंग एडेप्टेशन फीचर, देयर आर एनुअल्स, ये कैसे वार्षिक एंड कॉम्प्लीट, देयर लाइफ साइकिल इज वेरी शॉर्ट, इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो बहुत ही छोटी होती है। पीरियड टू अवॉइड ड्राई कंडीशन, किस में ड्राई कंडीशन में। मैनी ऑफ दीज प्लांट्स हैव स्पाइंस इंस्टीड ऑफ लीव्स टू अवॉइड वाटर लॉस, मैनी ऑफ दीज प्लांट ऐसे कई पौधे हैं हैव जैसे कि स्पाइन इंस्टीड ऑफ लीव्स, इनकी पत्तियों द्वारा टू अवॉइड वाटर लॉस, ये क्या है ये वाटर लॉस को अवॉइड करते हैं। देयर स्टेम्स लीव्स एंड रूट्स आर फ्लैसी, जो इनका स्टेम तना लीव्स पत्तियाँ और रूट्स जो जड़ होती हैं फ्लैसी में मासल होती हैं। फॉर एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन मीन्स होता है संचय और वाटर ड्यूरिंग ब्रीफ रेन, जब कम बारिश होती है उस समय इनकी ये जो ये होते हैं तने होते हैं पत्तियाँ होती हैं क्या वाटर को संरक्षित कर लेते हैं। सम प्लांट सेट देयर लीव्स अंडर कंडीशन ऑफ डेफिशियंट रेनफॉल, सम प्लांट कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनका सेट है देयर लीव्स अंडर कंडीशन, अंडर कंडीशन में क्या होता है ये डेफिशियंट, जब न्यून रेनफॉल होती है उस समय ये कम से कम क्या पानी को एब्जॉर्ब कर, अधिक से अधिक पानी एब्जॉर्ब करके और बहुत ही कम लॉस करते हैं। सम कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ जायरोफाइट्स आर कैप्री ओपोंटिया यूफोरबिया। एडेप्टेशन इन माउंटेन्स रीजन्स, माउंटेन्स रीजन्स आर कोल्ड एंड विंडी थ्रू आउट द ईयर, एज सच प्लांट्स इन दीज रीजन्स आर एडेप्टेड टू दीज कंडीशंस, पाइन्स ट्री और कन्फर्स ग्रो द एविडेंस और माउंटेन्स, दीज ट्रीज हैव कॉन्सेप्ड टॉप्स विद स्लोपिंग ब्रांच, दे आल्सो हैव पॉइंटेड नीडल लाइक लीव्स। जो माउंटेन्स रीजन्स में होती हैं जहाँ पे सर्दी ज़्यादा अधिक रहती है, विंडी थ्रो आउट ज़्यादा तेज हवाएं चलती हैं पूरे वर्ष, एज सच प्लांट्स जो ये प्लांट होते हैं दीज रीजन्स आर एडेप्टेड टू डू, वो इस कंडीशन को क्या एडेप्ट कर लेते हैं अनुकूलित हो जाते हैं। पाइन ट्री और कॉनिफर्स ग्रो इन एबुडेंस इन माउंटेन, जो पाइन ट्री है और कॉनिफर है ये माउंटेन रीजन में खूब प्रचुर मात्रा में मिलती हैं। दीज ट्रीज हैव कौन शेप्ड, इनकी जो शेप होती है वो कौन के आकार की होती है, ऊपर ये बिल्कुल पतले होते हैं नीचे ये थोड़े थोड़े फैलते जाते हैं जिससे कि जो बर्फ गिरती है वो सीधे आराम से नीचे फिसल जाए और पौधे को नुकसान नहीं होता है। टॉप विद स्लोपिंग ब्रांच, जो इसकी ब्रांचेस होती है वो कैसी होती है स्लोपिंग होती हैं। दे आल्सो हैव पॉइंटेड नीडल लाइक लीव्स, जो इसकी पत्तियाँ होती हैं वो सुई की तरह पतली किनारे पर होती हैं। दीज एडेप्टेशन डू नॉट अलाउ द स्नो ऑन सेटल ऑन देम, जो इनका अनुकूलन है वो पेड़ पौधे अपने ऊपर क्या है बर्फ को अधिक जमा नहीं होने देते हैं। इसी के साथ ही आज का टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू।